टीम इंडिया के पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, ये सवाल मीडिया से लेकर उनके फैंस तक के अंदर चल रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अलग ही अंदाज में जवाब दे दिया। आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद से धोनी टीम इंडिया की तरफ से खेलने नहीं उतरे। गांगुली से जब पूछा गया कि क्या विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा होंगे तो इसके जवाब में बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि कृपया आप धोनी से पूछें, मेरा दिमाग मत चाटें। धोनी जुलाई में इंग्लैंड में विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है। वो वेस्टइंडीज दौरे पर भी नहीं गए और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी नहीं खेले। गांगुली से जब एक जर्नलिस्ट ने धोनी की टी20 विश्व कप में खेलने की संभावना के बारे में पूछा तो उनका सीधा जवाब था, धोनी से ही पूछिए, मुझे नहीं पता। गांगुली की 88वीं वार्षिक आम बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को उन्होंने कई तरह की बातें कही। धोनी जब एक कार्यक्रम के लिए मुंबई आए थे तब भी उनकी वापसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था, लेकिन धोनी ने अपनी वापसी से जुड़े सवाल को बीच में काटते हुए कहा था कि उनसे इस बारे में जनवरी तक कुछ ना पूछा जाए। यानी कि अब सौरभ गांगुली जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या धोनी का अब सपना टूट चुका है विश्व कप खेलने का, ये भी एक अहम सवाल खड़ा होता है। ANP न्यूज रूम से धीरज सहाय की रिपोर्ट।